आज की इस वीडियो में एक बिकड़ मापने की रचना करना है और बिकड़ मापने की रचना करना है और क्वेश्चन में दिया आपको एक बिकड़ मापने की रचना करें जिसकी रूपभिन्न 3/90 है, जिसमें मीटर, डेसीमीटर तथा सेंटीमीटर दर्शाया जा सकें और इस मापनी पर 4 मीटर तक की दूरी मापी जा सके। इस मापनी पर 2 मीटर, 3 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करें। ठीक है, तो बस हमारे पास काम क्या है, सबसे पहले आपका वही है कि हमको RF निकालनी है। ठीक है, तो RF निकालने का फॉर्मूला होता है, तो RF निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है वो आपको मालूम है, लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे बढ़िया कि RF हमको दे रखी है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी क्योंकि RF दे रखी है हमको। जब RF दे रखी है तो कोई समस्या होनी नहीं है हमें। ठीक है, तो क्या दे रखी है, 3/90 ये हमको RF इसमें दे रखी है, तो कोई समस्या ही वाली बात नहीं, RF दे रखी है हमें। अब क्या करना हमें, अब निकालें LOS, क्योंकि LOS से हमारा मापनी बनना तैयार होता है। तो LOS के लिए क्या होती है, RF इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस। तो RF देखी रखी है हमें 3/90 और मैक्सिमम दूरी क्या दे रखी है यहाँ पर देखो 4 मीटर, इस मापनी पर 4 मीटर की दूरी मापी जा सके, तो कितनी दी है मैक्सिमम 4 मीटर, तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं, तो 4 मीटर की मैक्सिमम दे रखी है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमें जिससे बनाने में कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो फटाफट से 4 मीटर की मैक्सिमम डिस्टेंस रखते हैं और मैक्सिमम डिस्टेंस रख करके क्या करते हैं, मापनी तैयार। ठीक है, तो मापनी तैयार करने के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस लगाओ 4 मीटर और एलवेस फटाफट से निकाल दो, जो भी एलवेस हमारी निकल के आते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो कितनी दिए 4 मीटर, तो 4 × 100। ठीक है, तो देखो 1 0 से 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक, ये 3 से ये 3 बढ़ कट जाएगा। ठीक, अब बचता कि हमारे पास 40/3, यही बचेगा 40/3। अब 40/3 जो बचा है, अब इसको काटेंगे भाई, तो कितनी बार कट जाएगा ये आप देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 3 × 1 = 3। ठीक, बचा हमारे पास 1 10 हो गया, 3 × 3 = 9। ठीक, और फिर 3 × 3 = 9, मतलब ये चलता रहेगा आगे तक, तो ये क्या हो गया हमारा सेंटीमीटर, 13.3 सेंटीमीटर। ठीक, LOS आ गई हमारे पास और RF पहले से हमें दे रखी थी, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट से हम क्या करेंगे, इसको मिनी ड्राफ्ट को सेट करेंगे और सेट करने के बाद में, मिनी ड्राफ्ट सेट करना बहुत जरूरी, ध्यान रखना। ठीक है, सेट करेंगे और सेट करने के बाद में क्या करना है हमको, मापने की रचना करनी है। ठीक है, मापने की रचना करने के लिए सीधा सीधा हमारे पास रेखा खींचनी है और रेखा खींच के बनानी है, तो कितनी रेखा खींचनी है ये देख लो आप, रेखा खींचनी हमको 13.3 सेंटीमीटर है ना, तो फटाफट से 13.3 सेंटीमीटर एक रेखा बनाते हैं। ये हो गई 13.3 सेंटीमीटर हमारी रेखा तैयार। ठीक है, और नीचे इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं 13.3 सेंटीमीटर से, तो ये हो गई हमारी यहाँ से 13.3 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट। ठीक है, ये हम रिप्रेजेंट कर दिए हमने 13.3 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को बताना, ठीक है, जहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं होगी और आए तो मुझे बताते हैं। ठीक है, अब सेम, अब देखिए अभी तक हमें बहुत सिंपल टाइप की मिलती थी कि 15 सेंटीमीटर मिलेगी, कोई 20 सेंटीमीटर, कोई 18 सेंटीमीटर के पार्ट भी करने पड़ते थे, बहुत आराम से हम पार्ट कर देते थे, कोई समस्या हमें आती नहीं थी। लेकिन अब देखो 13.3 सेंटीमीटर के अब इसके पार्ट करने होंगे। ठीक है, तो अब समस्या आने वाली है, तो समस्या क्या है कि देखो कोई समस्या नहीं है क्योंकि हमें मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी दी थी 4 मीटर है ना, तो कितने पार्ट करने होंगे इसके, 4 पार्ट करने, बहुत सिंपल है, 4 पार्ट बना दीजिए फटाफट से। तो मैं क्या करूँगा, इसके 4 पार्ट बनाने के लिए यहाँ से 16 सेंटीमीटर रेखा खींचूँगा। ठीक है, और 16 सेंटीमीटर 4 4 के पार्ट बनाऊँगा, 1 2 3 और 14 मेरा 16 सेंटीमीटर भाई है। ठीक है, 4 पार्ट बना दिए, अब वही कंडीशन से हम इनको मिला देंगे। ठीक है, तो देखो कैसे मिलाएंगे, लास्ट वाले काउंट को लास्ट वाले काउंट से मिलाना ही मिलाना है। ठीक है, इस तरह से हमको इसको मिला के कंप्लीट कर देंगे, देखो लास्ट वाले काउंट को मुझे लास्ट वाले काउंट से मिलाना है,
मैंने ड्राफ्ट थोड़ा सा मेरा गलत सेट हो गया है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में था तो मैंने सोचा ऐसे सेट कर बना देता हूँ, तो प्रॉब्लम नहीं है। एक बार हम सेट करना और सेट करके एक ही बार में कोई दिक्कत नहीं टाइप करते, ठीक है, कोई समस्या नहीं आएगी। थोड़ा सा गलत सेट होता है किचन, कोई प्रॉब्लम है ना, आप लोग ऐसा मत करना, आप आराम से सही से सेट करना, इससे आपको आगे प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है किस वजह से, क्योंकि मेन ड्राफ्ट गलत सेट होने की वजह से इसको बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि मेन ड्राफ्ट गलत सेट है और सेट गलत होने पर समस्या आ जाती है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बना देता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से देखते रहना, कोई समस्या आती है, ठीक है। सेट करके सही से सेट करना एक बार, मैं आपको मैंने सेट करने के बाद उन्हें दोबारा से दिक्कत उसे निकाल दिया था, इसलिए थोड़ी इसको, ठीक है। देखिए इस तरह से मेन ड्राफ्ट धीरे खींचेंगे और धीरे खींचते जाएंगे आगे तक, सारे पंखे लगा देंगे इसके चार पार्ट, ठीक है। हमारे चार पार्ट हो गए और चार पार्ट होगा तैयार। तो देखो यहाँ जीरो, यहाँ वन, यहाँ टू और यहाँ थ्री, और यहाँ पर मीटर, क्योंकि मीटर में, ठीक है। और यहाँ पर मीटर के बाद क्या होगा हमारा डेसी मीटर, क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन में, देखो मीटर, डेसी मीटर और सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या आएगा डेसी मीटर, ठीक है, डेसी मीटर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये डेसी मीटर, ठीक। अब इसके ही पार्ट करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो इसके पार्ट करने के लिए वो सेम उसी तरह से जिस तरह से हम अभी तक करते हैं, तो ये रेखा खींच लेंगे, ठीक है। और रेखा खींचने के बाद इसके पार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो पार्ट कितने करेंगे बताइए, तो आपको पता होगा ये एक मीटर के टू कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर, इसलिए मैंने देखो ये 10 सेंटीमीटर रेखा खींच लीजिए। और तो मैं एक एक सेंटीमीटर पार्ट करूँगा, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 सेंटीमीटर, वही प्रक्रिया अपनानी है हमें इसको, उससे इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से लास्ट वाले पॉइंट से मिलाना है, ठीक है। मिलाने के लिए वही सेम प्रक्रिया अपनानी है हमको, ठीक है। थोड़ा सा मेन ड्राफ्ट की वजह से थोड़ी परेशानी आ रही है, क्योंकि मेन ड्राफ्ट मेरा गलत जगह सेट कर दिया है, ठीक है। कोशिश करते हैं, चलो एक बार एक मिनट के लिए समय ख़राब होगा, दोबारा से सेट कर लेते हैं, समस्या सेट करनी पड़ेगी हो नहीं सेट कर देते हैं, सेट हो गया। अब आराम से हम अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए लास्ट पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हैं, और मिलाने के बाद हम फिर पुनः हम दोबारा से इसको टाइट कर देंगे, ठीक है। ये टाइट हो गया, ठीक, और ये लाइन खींचना स्टार्ट, इसके पार्ट बनाना स्टार्ट हो जाएगा, और हम इसके पार्ट बना देंगे, प्रत्येक बिंदु को पार्ट से मिलाते जाएंगे, बराबर बराबर सारे पार्ट बन जाएंगे हमारे, दस पार्ट तैयार हो जाएंगे उनके, ठीक है। उसके बाद डेसीमीटर के बाद अब सेंटीमीटर बनाएंगे, तो सेंटीमीटर के समझने का हमारा बेकार्ड बना, ठीक है। तो देखो 10 पार्ट को काउंटिंग कर लो एक बार, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो 0 से ये होगा 10 डेसीमीटर, कितना हो गया 10 डेसीमीटर। आप क्या करेंगे, आप इसके पार्ट बनाएंगे ऊपर, ठीक है। उसको सेट करना पड़ेगा, सेट करने के बाद ये बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए सेट कर लेते हैं, सेट करने के बाद बनाते हैं, एक मिनट। इस क्वेश्चन में मैंने 5 सेंटीमीटर के ऊपर दूरी ली है, मैं अभी बता रहा था ना आपको इतना भी क्वेश्चन में दूरी ले सकते हैं, तो इसमें देखो मैंने 5 सेंटीमीटर लिया है, 0 से 5 सेंटीमीटर लिए, नहीं ली। अब मैं इसकी देखो 0.55 सेंटीमीटर पार्ट करूँगा, मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा था कि आप डायरेक्ट पार्ट कर सकते हो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हो गए नहीं। अब प्रत्येक पार्ट को क्या करेंगे, मिला देंगे आगे, हर एक पार्ट को मिला देंगे, देखो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 और ये 10 हो गया ना, कि देखो 5 सेंटीमीटर पार्ट लिए तब हो गए ना,
5 सेंटीमीटर पार्ट कर लीजिए। जब हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर जितना भी आप लेना चाहो ले सकते हो। अगर आपको पार्ट सादा सिंपल तरह से करना है तो इस तरह से आप ले सकते हो, ठीक है। अब क्या करना, पहला ये वाला खाना जो है ये इस पॉइंट से मिलाना होता है, हर बार यही करना होता है, तो वही प्रोसेस हमें फिर से अपनाना है, ठीक है। एक बार सेट कर लीजिए नीट आप, तो फिर आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सेट कर लिया मैंने और इस देखो जीरो से मिल गया, ठीक है। इसी तरह से सारे के सारे पॉइंटों को करते हुए आपको मिलाना है सारे के सारे, जिससे हमारी विकर्ण मापनी तैयार हो जाएगी। और फिर आप जो प्रदर्शित करना हम प्रदर्शित कर सकते हैं, जो भी हमें दर्शाना है अपनी पर वो दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से देखो ये हमारा विकर्ण तैयार हो गया। विकर्ण तैयार होने के बाद तो फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आपको प्रदर्शित करना है सबको, दिखाना होता है, ठीक है। ये हो गया, आप कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब करना कितना है, देखो 2 मीटर, तो 0, 1, 2, 2 मीटर हो गया। 3 डेसीमीटर, तो यहाँ से 0 से 1, 2, 3, 3 डेसीमीटर ये हो गया, ठीक। 3 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इसी लाइन में 5 सेंटीमीटर बढ़ जाएंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर हो गया ना, क्या। तो मैं यहीं से इसी के बीच में दिखा देता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इसको बीच में भी दिखा सकते हैं, आप ऊपर दिखा सकते हो, नीचे दिखा सकते हो, बीच में भी दिखा सकते हो, लेकिन सुंदर सा दिखाना है। तो ये देखिए, यहाँ से ये हमें ये दिखा देंगे, ठीक है। देखो ये यहाँ तक की दूरी जो है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे आप 2 मीटर, 2 मीटर, 3 डेसीमीटर, डेसीमीटर, और ये 1, 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर। इस तरह से आपकी मापनी तैयार होती है, ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए मुझे बताएं, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी जमाएं, घंटी को दबा दें, जिससे कि नई नई वीडियो डालूं मैं तो आपको पता चले, सूचना पहुंचे आप तक, ठीक। ओके।